मैं महेंद्र सर, क्लास 10th ए का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है आज भारत में राष्ट्रवाद। क्या हम अध्ययन करेंगे? भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले हम यूरोप के देशों को राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन किया था कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, और फिर यूरोप में जो छोटे छोटे राज्य अपने साम्राज्यवादी चंगुल से निकल करके कैसे स्वतंत्रता को जो है प्राप्त किए। उसी संदर्भ में आज हम यह नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। यूरोप में जो है आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा था। अपने राष्ट्र के प्रति जो है लगाव अर्थात राष्ट्रभक्त की भावना जो पैदा होने लगी थी, और सभी यूरोपीय नागरिक अपने अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके अपने देश को, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराना चाहते थे। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए, अर्थात नए प्रतीकों के माध्यम से, नए राष्ट्रीय चिन्हों के माध्यम से, नए राष्ट्रीय गीतों के माध्यम से, और वहाँ की जनता के नए विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए, और समुदायों के सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया गया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। अधिकांश देशों में इस राष्ट्रीयता का पहचान अचानक नहीं हुआ, बल्कि अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में, इस लंबी आज़ादी को प्राप्त करने में उन्हें लंबा समय जो है गंवाना पड़ा, और का बहुत से सेनानियों को अपने कुर्बानी का जो है बलिदान भी देना पड़ा। आइए देखें कि हमारे देश में कहाँ पर, आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह जो है पैदा हुई। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जो है जुड़ी हुई थी। आप जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर भी अंग्रेजों का बहुत लंबे समय तक गुलामी की जंजीर जो है पड़ा रहा। यह भारत की प्रतंत्रता एक वर्ष और दो वर्ष की नहीं थी, बल्कि लगभग 200 वर्षों की थी। 200 वर्षों की लंबी लड़ाई लड़ने के पश्चात किसी तरह से अपना भारत जो स्वतंत्रता की क्या लिया था, सांस लिया था, और इस स्वरूप में उसे लंबी लड़ाई के तहत जो है आंदोलन करना पड़ा था। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ जो औपनिवेशिक शासक भारत पर आकर के अपना अधिकार स्थापित किए थे, उसके विरोध में लोग आपस में एकता की शक्ति को पहचाना और एकता के बल पर उनका जो विरोध किया। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में क्या किया, बांध दिया। जितनी अधिक उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ था, अंग्रेजों ने दमन की नीति अपनाई थी, उसके विरोध में विभिन्न समूहों ने एक दूसरे के साथ प्रेम की धागा बांध दिया था, एक दूसरे के शक्ति को आपस में जोड़ दिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विशाल जनता के समूह को इकट्ठा करके विशाल आंदोलन को जो खड़ा किया, और उस आंदोलन के माध्यम से गांधी को उत्साह मिला, शक्ति मिली, और वह उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया और अपने देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाने का जो कार्य किया। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे, लेकिन इन लोगों की जो समुदाय की एकता थी, जो संघ की एकता थी, जो कांग्रेस के तले इकट्ठा होकर के अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उनके इन कार्यों के बीच में बहुत सारी बाधाएं आ रही थीं, बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थीं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पीछे नहीं हटा। आइए देखते हैं, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग।
सबसे पहले हम देखेंगे पहला विश्व युद्ध। आपको इसके पहले बताया जा चुका है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1918 में जो है समाप्त हुआ था। उस विश्व युद्ध के तहत अंग्रेजों ने भारत को भी उस प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया था और उनको यह आश्वासन दिया था कि अगर भारत के वासी हमारे युद्ध में या हमारे प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में हम भारत देश को स्वतंत्र कर देंगे। भारत के नागरिकों ने इस स्वरूप विश्वास करके उनका पूरा का पूरा सहयोग किया, उनके युद्ध में भाग लिया, आर्थिक सहयोग किया, राजनीतिक सहयोग किया, लेकिन आने वाले समय में अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों के प्रति विश्वासघात किया और स्वतंत्रता देने से मुकर गया। वही यहाँ दिया है पहला विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। आर्थिक अर्थात भारत के ऊपर अर्थ का बोझ हो गया था और राजनीतिक स्थिति को जो परिवर्तित करना पड़ा था, जिसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। रक्षा व्यय में अर्थात सैनिकों को तैयार करने में, सैनिकों को युद्ध में भेजने में उनके जितने खर्चे पड़ते थे वह देश के ऊपर भारी पड़ता गया, बोझ बनता गया, अधिक खर्च होता गया। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए भारत ने युद्ध के नाम पर जो क्या लिया, कर्ज लिया, और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय कर्ज शुरू कर दिया गया। और इस स्वरूप में युद्ध के खर्चे का निर्वहन करने के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जनता के ऊपर अनेकों प्रकार के कर लगा दिए गए और इसके साथ ही वस्तुओं के कीमतों को जो बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया और जनता मुश्किल में फंसती हुई चली गई। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों से व्यापक गुस्सा था। गांव में अंग्रेज जा करके किसानों को और अन्य नागरिकों को, मजदूरों को जबरन जो है सेना में भर्ती करते थे, जिससे भारतीय नागरिक जो उससे प्रसन्न नहीं थे, बल्कि उनकी दिक्कतें और कठिनाइयां और बढ़ती जा रही थी और अंग्रेजों के विरुद्ध वे आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते थे। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल जो क्या हो गई थी, खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में जो फसल क्या हो गया था, खराब हो गया था, खाद्यान्न की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से जनता को पूर्ण रूप से खाद्यान्न उपलब्ध करा पाना संभव नहीं था। यह भारत के लिए एक अलग जो संकट पैदा हो गई थी। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। कौन सी महामारी फैल गई? फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120-130 लाख लोग जो है मारे गए। उसी विषम परिस्थितियों में फ्लू महामारी फैल गई, जिसके वजह से लगभग देश में 120-130 लोग उस महामारी के चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हो गई। जैसे आज कोविड-19 को देखते हैं कि इस महामारी से आज अमेरिका जूझ रहा है, भारत जूझ रहा है। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध के खत्म होने के बाद उसकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। लोगों का ऐसा विश्वास था कि हम प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त जब हो जाएगा तो अंग्रेज हमारे देश को क्या करेंगे, स्वतंत्र करा देंगे। और उन्होंने ऐसा जवान भारत के नागरिकों को दिया भी था, ऐसा वचन दिया भी था, लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बाद उन्होंने मुकर गया और भारत के नागरिकों के साथ विश्वासघात किया और इस स्वरूप में भारत की स्वतंत्रता नहीं दिलाया। विवश होकर के पुनः भारतीय नागरिकों को अपने आंदोलन को जो आगे की ओर बढ़ाना पड़ा। इसी रूप में भारत का एक ऐसा नेता सामने आया, एक ऐसा
ऐसा नेता सामने आया जो भारत को अहिंसा के बल पर, सत्य के बल पर लड़ाई लड़ करके भारत की स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद के तहत प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की प्रक्रिया आज हम लोगों ने अध्ययन किया। शेष हम अगले वीडियो में बताएंगे कि भारत अपनी स्वतंत्रता क्या की सांस जो कैसे लिया, अपनी स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त किया। भारत में राष्ट्रवाद दूसरा चित्र किया था। भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको बताया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। अंग्रेजों ने भारत को भी प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया था और भारतीय नागरिकों को आश्वासन दिया था कि आप सभी हमारे युद्ध में सहयोग करें और युद्ध समाप्त के पश्चात हम भारत देश को क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या इस विचार के आधार पर भारतीयों ने अंग्रेजों को आर्थिक मदद भी किया, राजनीतिक मदद भी किया और सैन्य शक्ति के रूप में भी मदद करने का कार्य किया। अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों को जबरदस्ती जो सैन्य शक्ति सैनिकों के बीच में उन्हें सैनिक बना करके भर देता था और उनको युद्ध लड़ना पड़ता था। लेकिन बड़ा कष्ट के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि भारतीयों के द्वारा इतना परिश्रम करने के बाद भी अंग्रेजों का दिल नहीं पिघला और प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त के बाद भी भारत को स्वतंत्रता की सांस नहीं दिया, भारत को आज़ादी नहीं दिया। इस विश्वासघात से रुष्ट होकर के भारतीयों ने पुनः अपना आंदोलन क्या किया, प्रारंभ कर दिया। इसी संदर्भ में आइए मैं आपको बताता हूँ भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत सत्याग्रह का विचार। क्या आज हम अध्ययन करेंगे सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट करके आए थे। महात्मा गांधी जी को भारत लौटे 1915 में। महात्मा गांधी जी एक व्यवसायी का वकालत देखने के लिए अफ्रीका गए हुए थे और वहां जब उन्होंने पहुंचा तो भारतीयों की हालत देख करके उनका दिल पिघल गया और उन्होंने भारतीयों की सहायता के लिए आंदोलन क्या किया, नस्ल भेदी और आंदोलन जो प्रारंभ कर दिया। श्वेत और गोरों का जो आंदोलन था, जो काले और गोरों का आंदोलन था, उसके खिलाफ जो है आंदोलन क्या किया, प्रारंभ कर दिया और सफलता भी प्राप्त किया। देखिए महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। कब लौटे, 1915 में। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेद सरकार से सफलतापूर्वक क्या किया, लोहा लिया। लोहा लेना मतलब लड़ाई किया, आंदोलन किया। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं। इस पद्धति को वे क्या कहते हैं, सत्याग्रह। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जो जोर दिया जाता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की खोज पर और वास्तविकता पर और अपने कर्म पर जो जोर दिया जाता है। अंधविश्वास पर नहीं, दूसरे के दोषारोप पर नहीं, दूसरे के हानि पहुंचाने पर नहीं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की खोज पर आग्रह और सत्य की खोज पर जो जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, क्या है आपका उद्देश्य, सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। अगर आक्रामकता सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में जो है सफल हो सकता है। अहिंसा अर्थात बिना अस्त्र शस्त्र की लड़ाई, बिना युद्ध किए और अपने आत्मबल के बल पर अपने को विजय प्राप्त करना क्या कहलाता है, अहिंसा कहलाता है। देखिए भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने
बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए क्या किया, प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, कुछ हिफाजत की जाए, कुछ छूट किया जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां पर चले गए, अहमदाबाद जा पहुंचे। इस स्वरूप गांधी जी जो है जब भारत लौटे तो अपने सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को जगाया और उनके सहयोग से अपने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन जो क्या किया, प्रारंभ किया। और इस स्वरूप में बिहार के किसानों को और अन्य जगहों के नागरिकों को अपने असहयोग आंदोलन के बल पर साथ लेकर के उनका सहयोग किया और उन्हें सुविधाएं दिलाने में अहम भूमिका निभाते हुए देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को जो है समर्पित कर दिया। यहाँ एक शब्द दिया है सत्याग्रह, क्या दिया है, सत्याग्रह। सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह क्या है, शुद्ध आत्मबल है। सत्य की आत्मा का आधार है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। आत्मा जब ज्ञान से हमेशा क्या होती है, लैस होती है, भरी हुई होती है। इसमें प्यार की लौ जलती है। किसकी लौ जलती है, प्यार की, क्रोध की नहीं, प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा क्या है, सर्वोच्च धर्म है। तो इस स्वरूप में गांधी जी अपने जीवन पर्यंत अहिंसा के बल पर अपने कार्य को आगे की ओर बढ़ाया और देश की स्वतंत्रता में अपने को विजय प्राप्त कर लिया। इस स्वरूप में गांधी जी आज नहीं है, लेकिन आज पूरी संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व आज उनको याद करता है।